नमस्कार, आपका स्वागत है अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सबसे पहली खबर जो है वो कानपुर से आ रही है। आपको बता दें कि ईद के मौके पर कानपुर में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसको लेकर पुलिस ने वहीं शहर काजी और मौलानाओं के साथ की थी कई चरणों में ईद की नमाज के लिए मीटिंग। आज बड़ी ईदगाह में दो चरणों में हुई ईद की नमाज। वहीं बड़ी ईदगाह पर अपर पुलिस आयुक्त समेत सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ड्रोन की मदद से पुलिस ने सभी मस्जिदों पर रखी थी नजर। अगली खबर आगरा से आ रही है। आपको बता दें आगरा में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज को अदा किया गया है। बता दें कि ताज नगरी आगरा में भी शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आगरा की शाही ईदगाह मस्जिद में 7 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आगरा की शाही जामा मस्जिद ईदगाह मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। वहीं ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद की नमाज को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर रही। आगरा की शाही ईदगाह मस्जिद और शाही जामा मस्जिद पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर डीसीपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। देखिए, समस्त आगरा जनपद वासियों को पुलिस की तरफ से ईद के त्यौहार की शुभकामनाएं और विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज जो है सकुशल संपन्न की गई है, अदा हुई है। और जो नमाजी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने के बाद वापस अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं और पूरा हर्षोल्लास का त्यौहार का माहौल है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मैनपुरी से है। आपको बता दें कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ईद की नमाज को अदा किया गया। वहीं जिले में सादगी के साथ अता की गई ईद की नमाज। ईद को लेकर हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दिया। इसी बीच शहर के जामा मस्जिद और अन्य स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज हुई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये आज ईद की नमाज को देखते हुए जनपद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद के लगभग 18 ईदगाहों में नमाज अदा की जानी है, जो शुरू हो गई है और चल रही है। वहाँ पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है। थाना प्रभारियों के अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं और पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया, जिसमें QRT भी लगाई गई है। साथ ही PAC और पैरामिलिट्री फोर्स को भी विभिन्न जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर मीडिया कॉम्बिनेशन के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आगरा से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि 12 अप्रैल की तारीख जो है वो तय की गई है नामांकन के लिए। 12 से 19 अप्रैल के बीच नामांकन होंगे। वहीं 13, 14 और 17 अप्रैल को नहीं होगा नामांकन। सार्वजनिक अवकाश की जगह से नहीं होगा नामांकन। वहीं 20 अप्रैल को होगी पेपर की जाँच होगी। वहीं नाम वापस लेने की तारीख 22 तय की गई है। वहीं राजनीतिक दल के प्रत्याशी के साथ 5 लोगों को जाने की अनुमति है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 लोगों की अनुमति होगी। आगरा शहरी लोकसभा सीट के लिए CDO और रिटर्निंग ऑफिसर की बहाली हुई है। इसी के साथ आपको बताते चले, नामांकन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी रहेंगे। पुलिस PAC और CISF मौके पर तैनात रहेंगे। वहीं CCTV की निगरानी में होंगे नामांकन।
खबर कानपुर से आ रही है, जहां की बैंक के लॉकर में चोरी हुई और कई लाख के गोल्ड ज्वेलरी गायब हो गए। बता दें आपको ये पूरी खबर कानपुर के रूरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से करीब 14 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी होने का मामला सामने आया है। बैंक लॉकर के एग्रीमेंट रिन्यूअल के दौरान पीड़िता को ये जानकारी हुई कि उसके बैंक के लॉकर में रखी ज्वेलरी में से उसकी 20 तोले सोने की ज्वेलरी गायब हो गई। पीड़िता ने बैंक कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरी मदर का SBI में लॉकर है, तो उन्होंने जब कल अपना लॉकर ऑपरेट किया तो इसमें से उनके 20 तोले का सामान गायब है। कौन सी शाखा में? ये रूरा, स्टेट बैंक रूरा। जी जी, तो 20 तोले का जो है पैर मतलब कमर की कट मिलता है। इसी मामले को लेकर आप आए हैं। हाँ। मैनेजर क्या कह रहे हैं? मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? मैनेजर तो कल इन्होंने मेरे को मेरी मदर के साथ लॉकर जो है ऑपरेट करने दिया था, चेक करने दिया था। मेरी मदर ये खबर बदायूं से आ रही है, जहां की पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी में कई आपत्तिजनक चीजें जो है वो पाई गई हैं। आपको बता दें कि दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर पुलिस ने ये छापा मारा है। होटल में पुलिस ने छापा मारा तो होटल में भगदड़ मच गई और प्रेमी जोड़े कमरों से निकल कर भागने लगे। वहीं पुलिस को चकमा देकर कई प्रेमी जोड़े वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस कार्रवाई से होटल के बाहर भारी संख्या में भीड़ जुट गई है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय दरोगा पर साठ गांठ का भी आरोप लगा दिया है। जैसा कि हमें भी सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट है किंग्स एंड क्वीन, ये रेस्टोरेंट के नाम पे इसमें दो तीन कमरे हैं, क्योंकि तीनों कमरों में वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा था जी। उसमें बहुत सारे कांडोम से लेके उन्होंने क्या क्या असली चीज़ें मिली हैं, ठीक है, उसको संबंधित थाने को सूचना दी गई थी और काफ़ी अंदर लड़के लड़कियाँ भी मौजूद थे, तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करने के लिए आगे अग्रिम कार्रवाई करने के लिए राजी हो चुका है। कहना अग्रिम कार्रवाई पूछताछ में करेंगे, जैसा कि हमें भी सूचना मिली थी। अगली खबर सुल्तानपुर से आ रही है, जहां की एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें युवक की मौत हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि जहां अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों की इसमें मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज लाया गया है। घटना कोतवाली नगर के रतनपुर टेढ़हुई क्रॉसिंग के पास की बताई जा रही है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां की पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। बता दें कि यहां मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बदमाश गोकशी करते थे। मौके से पुलिस ने गौ के अवशेष और गौकशी के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने इनके पास से तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं SP सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज शाम को अभी थाना नई मंडी की बागों वाली पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बझेड़ी का जो जंगल है उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोकसी की जा रही है। इसी सूचना पर तुरंत थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो बदमाश है उनकी घेराबंदी की गई। उन्होंने चारों तरफ से अपने आप को पुलिस से घिरा देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो की गई है उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। यहाँ मौके पर जब पुलिस पहुंची तो चार व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति कलीम जो है वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके अलावा एक फुरकान नाम के व्यक्ति मौके से पकड़ा गया है। इनके जो दो अन्य साथी थे ये लोग यहाँ से भाग गए हैं। वहीं अगली खबर कन्नौज से आ रही है, जहाँ की बस में गैस लीक होने के कारण AC गैस लीक होने के कारण आग लग गई है। वहीं यहां इस मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि लखनऊ से आगरा जा रही थी ये बस। गाड़ी से धुआं निकलने पर चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को तत्काल रोककर सवारियां उतार दी।
वहीं हादसे के दौरान सवारियां दहशत में आ गईं। वहीं सूचना पर यूपीडी की टीम ने दमकल और पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं 1.5 घंटे तक बस में आग लगी रही। अगली खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां की एक प्रेमी ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाया है। बताते हैं आपको पूरी खबर, जहां बभनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। दरअसल आत्महत्या के लिए उकसाने और मृतका के साक्ष्य को छिपाने का प्रयास करने वाले 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि और जानकारी के अनुसार प्रेमी के शादी से इनकार करने पर युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं युवक को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने युवती का शव कुएं में फेंक दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया और फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में भेज दी गई है। देखिए, थाना बबनी के सिमरिया टोला गांव में एक कुएं में 26 मार्च को एक डेड बॉडी एक महिला की, एक लड़की की बरामद हुई थी, जिसके ऊपर पत्थर बंधा हुआ था और एक रस्सी बंधी हुई थी। ये एक घटना हुई थी जिसमें लड़की का नाम पता तस्दीक उस टाइम नहीं हो पाया था, अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। इसमें पुलिस ने जांच को जब आगे बढ़ाया तो उसमें उस लड़की की पहचान संतोषी नाम की रूप में हुई, जिसकी उम्र 18-19 साल है। देखिए मैनपुरी से, जहां की एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां एक गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिसमें 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और 1 युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना बताया जा रहा है कि बरनाहल थाना क्षेत्र के अट्टा हैराना के पास की बताई जा रही है। खबर फतेहपुर से है, जहां के एक चौकीदार की दबंगई वो देखने को मिली है। बता दें कि यहां एक चौकी इंचार्ज की दबंगई देखने को मिली है। चौकी इंचार्ज ने एक ढाबा के संचालक को थप्पड़ जड़ दिया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है। मामला थरियाव थाना क्षेत्र के हसवा चौकी का बताया जा रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां की एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें आपको कि यहां पचांडा रोड के रिसोर्ट में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में जयंत सिंह ने कहा कि 2 अप्रैल के आंदोलन के दौरान दलित समाज पर दर्ज हुए मुकदमों को मुख्यमंत्री से मिलकर वापस कराया जाएगा। सभी विधायकों को पत्र जारी कर स्पष्ट कहा है कि वो अपनी विधायक निधि का 35% दलितों में खर्च करेंगे और 16% पैसा अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाएगा। वहीं दलितों की समस्याओं को सरकार के प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान, बिजनौर सीट से रालोद प्रत्याशी, वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विचार रखे हैं। बता दें कि रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, विनय मित्तल, पुरुषोत्तम भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार।